टाटा मोटर्स ने बताया है कि लॉन्च होने के 10 महीने बाद ही कंपनी ने नेक्सॉन ईवी की लगभग 2000 यूनिट बाजार में बेच ली हैं। कार ने इस साल अगस्त में ही 1000 बिक्री का आंकड़ा पार किया था और अगली 1000 कारें केवल 3 महीनों में ही बेची गई हैं। अब 74% हिस्सेदारी के साथ ये भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। नेक्सॉन ईवी एक एसी मोटर का उपयोग करती है जो 30.2 किलोवाट आर लिथियम आयन बैटरी से चलती है और एक बार में 312 किलोमीटर की रेंज देती है। कार का नया इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन 245 NM पीक टॉर्क बनाता है जिससे यह 9.9 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू लेती है। कार की कीमत है 13,99,000 रुपये एक शोरूम भारत। BMW ने भारत में अपनी सबसे छोटी सेडान 2 सीरीज ग्रैंड कूपे का एक नया लिमिटेड एडिशन मॉडल पेश किया है। BMW 2 सीरीज ब्लैक शेडो एडिशन 7 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा और इसकी कीमत 42,30,000 रुपये एक शोरूम रखी गई है। यह नियमित 2 सीरीज ग्रैंड कूपे के स्पोर्ट लाइन मॉडल की तुलना में 3 लाख रुपये महंगा है। इतने पैसे में आपको कई एम परफॉर्मेंस पार्ट्स मिलेंगे जिसमें काले रंग की मैश स्टाइल ग्रिल, काले शीशों के कैप, एम परफॉर्मेंस पिछला स्पॉयलर और ब्लैक क्रोम टेल पाइप शामिल हैं। कंपनी कार की कुल 24 इकाइयां ही बाजार में बेचेगी और इसको सिर्फ अल्पाइन व्हाइट और ब्लैक सफायर रंगों में ही पेश किया गया है। डुकाटी ने 2021 मॉन्स्टर का खुलासा कर दिया है और इस मिडिलवेट स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल को बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया है। नया फ्रेम पानी गाले V4 से प्रेरित है और बाइक का वजन है 166 किलो यानी पहले से 18 किलो कम। डिजाइन की बात करें तो इसमें नए फ्यूल टैंक और DRL के साथ नई हेडलैम्प दी गई है। ताकत 937 cc इंजन से आती है जो 110 bhp और 93 Nm बनाता है, जबकि इसके साथ 6 स्पीड का गियरबॉक्स दिया गया है। बाइक कॉर्नरिंग ABS, डुकाटी पावर लॉन्च और ट्रैक्शन कंट्रोल के अलावा 3 राइडिंग मोड्स, स्पोर्ट, टूरिंग और अर्बन से लेस है। 2021 डुकाटी मॉन्स्टर अगले साल भारत आएगी और मुकाबला होगा कावासाकी Z900 और ट्रायम्फ C000RS से। लेटेस्ट कार्स और लेटेस्ट बाइक्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगी, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।